So good morning to all of you and welcome to the ICC Academy. So let's start today's current affairs of 5th December 2023. See the first news. What government of India is saying that arsenic found in groundwater in 25 states and fluoride found in 27 states. Dekhiye news kya hai. Arsenic has been detected in groundwater in parts of 230 districts in 25 states and fluoride found in 469 districts in 27 states. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति बिश्वेश्वर टुडू इन्फॉर्म इन द राज्यसभा. देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति बिश्वेश्वर टुडू जो है वो यहाँ पर राज्यसभा के अंदर ये अनाउंस किए कि जो इंडिया के अंदर अभी जो रिसेंट स्टडी हुआ था उस स्टडी में ये मिला कि इंडिया के अंदर टोटल 25 स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर 230 डिस्ट्रिक्ट है. उन 230 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ग्राउंड वाटर में यहाँ पर उनको आर्सेनिक मिला है एंड 27 स्टेट्स के अंदर टोटल 469 डिस्ट्रिक्ट में जो ग्राउंड वाटर है उस ग्राउंड वाटर में हमको फ्लोराइड मिला है. ठीक है. देन नेक्स्ट द ऑकरेंस ऑफ आर्सेनिक एंड फ्लोराइड इन ग्राउंड वाटर बियॉन्ड परमिजेबल लिमिट्स हैज बीन रिपोर्टेड इन आइसोलेटेड पैकेट्स देन प्रॉम्प्टिंग द CGWB टू साइन एन MOU विद द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर फर्दर स्टडीज. ये जो आपको ग्राउंड वाटर में यहाँ पर आर्सेनिक और फ्लोराइड मिला है उसके ऊपर फर्दर स्टडी के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से CGWB स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बॉडी जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है CGWB और आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ये दोनों ने यहाँ पर MOU के ऊपर एक सिग्नेचर किए हैं जो कि ग्राउंड वाटर के अंदर जो आर्सेनिक और फ्लोराइड मौजूद है उसके ऊपर फर्दर स्टडी किया जा सके. देन ये जो स्टडी अभी होगा पंजाब हरियाणा आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार एंड असम. तो आपको यहाँ पर तीन चीज़ क्या याद रखना है कि टोटल 25 स्टेट्स के अंदर जो 230 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उस 230 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अभी आर्सेनिक फाउंड हुआ है. सेकेंड थिंग 27 स्टेट्स के अंदर यहाँ पर 469 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर आपको फ्लोराइड मिलता है. देन द थर्ड थिंग इज इसके ऊपर फर्दर स्टडी के लिए CGWB दैट मीन्स सेंट्रल ग्राउंड वाटर बॉडी जो है वहाँ यहाँ पर एक MOU के ऊपर सिग्नेचर किया है किसके साथ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. देन द लास्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज अभी जो पहले तो 8 स्टेट ऐसे हैं जिसके ऊपर फर्दर स्टडी करने वाला है ये जो CGWB और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो 8 स्टेट क्या है पंजाब हरियाणा आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार एंड असम. देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी कि अगर ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक एंड फ्लोराइड का अमाउंट इंक्रीज करेगा तो उसका डिसएडवांटेजेस क्या है. क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज में आर्सेनिक एंड फ्लोराइड अभी न्यूज में है इसीलिए आपको एग्जाम ये भी पूछ सकता है. सी इफ आर्सेनिक इज गोइंग टू बी मोर इन द वाटर देन दिस वाटर इज गोइंग टू कॉल्ड बी टॉक्सिक वाटर. ओके आर्सेनिक इन वाटर इज टॉक्सिक एंड कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक फर्स्ट वन कैंसर इन द स्किन लंग्स ब्लैडर एंड किडनी देन स्किन चेंजेस लाइक थिकनिंग एंड डिसकलरेशन एंड वाट लाइक ग्रोथ्स the next problems in the blood vessel high blood pressure heart disease nerve effects like numbness and pain then peripheral vascular disease then second one too much fluoride can cause health problem including dental fluorosis skeletal fluorosis arthritics bone damages osteoporosis muscular damage fatigue and joint related problems so you have to remember all these diseases if आर्सेनिक एंड फ्लोराइड इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द ग्राउंड वाटर बॉडी. ओके देन द नेक्स्ट न्यूज साउथ कोरिया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA. अभी देखिए साउथ कोरिया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA भी न्यूज में इसलिए मैं बताता हूँ. तो आपको पता होगा कि साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया जो है नॉर्थ कोरिया ये दोनों आपका एनिमी कंट्री है. बट साउथ कोरिया के अंदर एक 68 ईयर ओल्ड मैन जो है वो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करके एक पोएम लिखा था. एक पोएम जो है वो यहाँ पर लिखे थे जिस पोएम का नाम है आपका मीन्स ऑफ यूनिफिकेशन जो कि साउथ कोरिया का जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको ये वायोलेट करता है. अब देखिए न्यूज क्या है. एक 68 ईयर ओल्ड साउथ कोरियन मैन हैज बीन सेंटेंस फॉर 14 मंथ जेल इन फॉर कंपोजिंग ए पोएम प्रेजिंग नॉर्थ कोरिया violating South Korea's National Security Act NSA. The poem title is Means of Unification. आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि जो poem है उसका नाम क्या था Means of Unification. Lauds the benefits of reunification under North Korea's socialist regime. Okay?
तो आपको यहाँ पर एक ही चीज़ याद रखना है कि साउथ कोरिया के अंदर एक 68 ओल्ड मैन जो है वो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करके एक पोएम जो लिखे थे, उस पोएम का नाम था आपका मीन्स ऑफ यूनिफिकेशन एंड दिस गोइंग टू बी वायलेट द साउथ कोरियाज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, दैट्स द ओनली रीजन व्हाई ही सेंटेंस टू 14 मंथ्स जेल। ओके, देन नेक्स्ट न्यूज, वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब अनवेल्ड इन गुड़गांव। पहले हम आपको बता दें कि पोर्टेबल हॉस्पिटल का मतलब क्या है। पोर्टेबल हॉस्पिटल का मतलब है कि एक ऐसा हॉस्पिटल जो कि एक जगह से दूसरे जगह को आप ट्रांसफर करके ले जा सकते हैं, इसलिए उसका नाम है पोर्टेबल हॉस्पिटल। ये जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है वो आपका एक बड़ा सा क्यूब है, इस क्यूब्स के अंदर आपका टोटल 74 क्यूब्स है, छोटे छोटे 74 क्यूब्स है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोर्टेबल हॉस्पिटल, जिसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब, जो कि अनवील्ड हुआ है गुड़गांव में। अब इसका पहला न्यूज है वो पढ़ते हैं, इंडिया हैज अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब, ए ग्राउंड ब्रेकिंग फैसिलिटी इन गुड़गांव दैट कैन बी एयरलिफ्टेड एंड कंसिस्ट ऑफ 72 क्यूब्स। आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, ये जो बड़ा सा क्यूब है जिसको हम बोलते हैं आरोग्य मैत्री क्यूब, इसके अंदर टोटल 74 क्यूब्स है। दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंडेवर इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज एम्बिशियस प्रोजेक्ट भीष्म। जो भीष्म का पूरा नाम क्या है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री हैज अनवील्ड इन फेब्रुआरी 2022। आपको जो पहला पॉइंट, इस पॉइंट्स में से आपको तीन चीज़ याद रखना है। फर्स्ट थिंग, आरोग्य मैत्री क्यूब जो यहाँ पर अनवील्ड हुआ है, दिस इज अंडर हुइच प्रोग्राम, भीष्म प्रोग्राम। ये जो भीष्म प्रोग्राम है उसका पूरा नाम है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, विच इज अनवील्ड इन फेब्रुआरी 2022। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्ट, ये जो आरोग्य मैत्री क्यूब्स यहाँ पर अनवील्ड हुआ है उसके अंदर टोटल 74 क्यूब्स है। 74 क्यूब्स को मिलके एक बड़ा सा क्यूब बना है जिसको हम बोलते हैं पोर्टेबल हॉस्पिटल, और इस पोर्टेबल हॉस्पिटल का नाम क्या है, आरोग्य मैत्री क्यूब। देन द सेकेंड पॉइंट, द हार्ट ऑफ दिस इनोवेटिव डिजास्टर हॉस्पिटल लाइज इन इट्स 72 क्यूब्स, ईच कंटेनिंग एन एरे ऑफ एसेंशियल इक्विपमेंट एंड सप्लाइज। एमंग दीज आर एन ऑपरेशन थिएटर, आपको एक चीज़ याद रखना होगा, इन जो 74 क्यूब्स है, इस 74 क्यूब्स के अंदर एक क्यूब में आपका ऑपरेशन थिएटर है, ए मिनी आईसीयू, वेंटिलेटर्स, ब्लड टेस्ट इक्विपमेंट, एक्सरे मशीन, ए कुकिंग स्टेशन, फूड, वाटर शेल्टर, ए पावर जनरेटर एंड मैनी मोर। तो हमको एक चीज़ याद रखना होगा कि ये जो 74 क्यूब्स है, इस 74 क्यूब्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ मिलने वाला है। एक आपको ऑपरेशन थिएटर मिलने वाला है, एक मिनी आईसीयू आपको मिलने वाला है, वेंटिलेटर मिलेगा, ब्लड टेस्ट इक्विपमेंट आपको मिलेगा, एक्सरे मशीन जो है वो आपको मिलने वाला है, कुकिंग स्टेशन लाइक फूड वाटर एंड शेल्टर आपको मिलने वाला है, एंड एक पावर जनरेटर जो है यहाँ पर पावर सप्लाई 24x7 करेगा वो आपको मिलने वाला है। देन द नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स ऑफ आरोग्य मैत्री क्यूब इज इट्स एबिलिटी टू हैंडल ए वाइड रेंज ऑफ सीवियर इंजरीज। अब देखिए, दरअसल ये जो आरोग्य मैत्री क्यूब जो यहाँ पर अनवील्ड हुआ है उसका दो पर्पज है। फर्स्ट वन इज फॉर द सोल्जर्स, अगर कोई भी सोल्जर्स यहाँ पर इंजर्ड हो जाता है तो सडन उसका ट्रीटमेंट के लिए ये जो आरोग्य मैत्री क्यूब जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है वो यहाँ पर काम आ सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज रोड एक्सीडेंट, अगर कोई भी जगह पर रोड एक्सीडेंट होता है और पास में आपका हॉस्पिटल नहीं है तो आप ये पोर्टेबल हॉस्पिटल को तुरंत यहाँ पर ट्रांसफर करके उस जगह पर ले सकते हैं, सो दैट वी कैन सेव द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बींग। तो नाउ सी, आरोग्य मैत्री क्यूब यहाँ पर जो है, जो एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है उसका कैपेबिलिटी टोटल क्या है, देखिए, दिस इंक्लूड्स 40 बुलेट इंजुरीज, देन 25 मेजर बोन्स, अराउंड 10 हेड इंजुरीज, लॉन्ग लिम्ब फ्रैक्चर, स्पाइनल इंजुरीज, चेस्ट इंजुरीज एंड स्पाइनल फ्रैक्चर। सो अगर कोई भी पर्सन को यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इस तरह से सीवियर इंजरीज का यहाँ पर फेस करना पड़ा तो पोर्टेबल हॉस्पिटल के थ्रू हम इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट न्यूज, पीएम मोदी अनवील शिवाजी महाराज स्टैचू एट राजकोट फोर्ट इन महाराष्ट्र। तो देखिए, पहला जो पॉइंट क्या है, ऑन डिसम्बर 4, 2023, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि डिसम्बर 4 को कौन सा डे है। डिसम्बर 4 इज नथिंग बट आवर नेवी डे, नेवी डे। इन दिस नेवी डे ऑन डिसम्बर 4, 2023, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मार्क ए हिस्टोरिक मोमेंट बाई अनवीलिंग द स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एट राजकोट फोर्ट इन महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। आपको तीन चीज़ यहाँ पर पहले पॉइंट पे याद रखना होगा कि आपका
शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टेचू है यहाँ पर अनवील्ड हुआ है December 4, 2023 को, और December 4, 2023 जो है वो आपका नेवी डे है। और यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टेचू है वो अनवील्ड कहाँ पर हुआ है, राजकोट फोर्ट पर हुआ है, एंड दिस इज बिलोंग्स टू द सिंदूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। द सेकेंड पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर द इंडियन गवर्नमेंट्स डिसीजन टू रिवैम्प द रैंक्स विद इन द इंडियन नेवीज एमिंग टू एलिमिनेट कॉलोनियल इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्यूज ए डिस्टिंक्ट इंडियन कल्चर आइडेंटिटी। इसका मीनिंग क्या, देखिए ये इंडियन नेवी के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं उनका जो रैंकिंग होता है वो रैंकिंग का जो नाम होता है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था। दैट मीन्स अगर किसी को हम कैप्टन बोलते हैं, अगर हम किसी को कमांडर बोलते हैं इंडियन नेवी के अंदर, अगर हम किसी को लेफ्टिनेंट कमांडर बोलते हैं, तो ये जो कैप्टन कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर है वो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इंडिया को दिया था। ब्रिटिशर्स के द्वारा ये जो नेम है वो यहाँ पर इंडियन नेवी ऑफिसर्स को मिला था। अभी भी इंडियन नेवी के ऑफिसर जो है उनको हम कैप्टन कमांडर और लेफ्टिनेंट कमांडर जो है इस नाम से हम जानते हैं, जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपने टाइम पे इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को यहाँ पर दिए थे। बट यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि ये जो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस है जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पर इंडियन नेवी को जो यहाँ पर पोस्ट और रैंकिंग का नेम यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था वो अभी चेंज होने वाला है, पर अभी तक चेंज हुआ नहीं है। जब चेंज होगा हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। देन द नेक्स्ट न्यूज़, व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग अबाउट इंडियाज फिस्कल प्रोग्रेस इज GST कलेक्शन सर्जेस ए रेकॉर्ड हाई इन फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024। अब देखिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जो है वो यहाँ पर लोकसभा के अंदर ये बोल रहे हैं कि इन दिस ईयर 2023 एंड 2024 में GST का जो कलेक्शन है वो यहाँ पर हमेशा इंक्रीज करते जा रहा है। दैट मीन्स ईयर टू ईयर बेसिस पर GST कलेक्शन जो है वो यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहा है। कितना इंक्रीमेंट कर रहे हैं वो आप देखिए। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कि अभी 2023 के अंदर यहाँ पर जितने भी टोटल 11 मंथ्स के अंदर जो भी GST कलेक्शन हुआ है उस GST कलेक्शन जो है वो 1.50 लाख करोड़ का जो बेंचमार्क है उसको हमेशा क्रॉस करके गया है। तो हम अभी ये बोल सकते हैं कि 2023 के अंदर जो 11 मंथ्स का जो GST कलेक्शन हुए पर मंथ GST कलेक्शन आपका 1.50 लाख करोड़ के ऊपर ही यहाँ पर दर्ज किया गया है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो है 2023 के अंदर अप्रैल का जो मंथ है उस अप्रैल के मंथ में टोटल 1.87 लाख करोड़ 1.87 लाख करोड़ जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा GST का कलेक्शन हुआ है। एंड द थर्ड थिंग इज इन 2020-21 एवरेज मंथली GST कलेक्शन वॉज 94,734 करोड़। अब देखिए यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि 2020 और 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर था उस फाइनेंशियल ईयर में एवरेज जो आपका GST कलेक्शन था वो था आपका 94,734 करोड़। बट यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर में जो एवरेज अभी तक कैलकुलेट हुआ नहीं है, बट इतना तो मान के चलिए कि जो एवरेज कैलकुलेशन होगा उस एवरेज कैलकुलेशन जो है वो 1.50 लाख करोड़ को यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। अब देखिए थर्ड सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, GST कलेक्शन सरपास द 1.50 लाख करोड़ मार्क एवरी मंथ। फर्स्ट थिंग। देन अप्रैल 2023 रिकॉर्डेड ए हाईएस्ट हिस्टोरिक रीचिंग एट 1.87 लाख करोड़ GST कलेक्शन। सेकेंड थिंग। एंड इन 2020-21 द एवरेज मंथली GST कलेक्शन वॉज 94,734 करोड़ रुपीज। ओके। देन द थर्ड पॉइंट इज द एवरेज ग्रॉस मंथली GST फाइनेंशियल ईयर 2023-24 स्टैंड्स फॉर 1.66 लाख करोड़। अब यहाँ पर देखिए टोटल 12 मंथ्स अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं, दिसंबर का अभी GST कलेक्शन का जो रिपोर्ट है वो अभी तक मिला नहीं है, लेकिन अगर हम 11 मंथ्स का GST कलेक्शन का एवरेज कैलकुलेशन करेंगे तो हमको मिल रहा है कि 1.66 लाख करोड़। 1.66 लाख करोड़ ये आपका है अभी तक 11 मंथ्स का 2023 एंड 2024 फाइनेंशियल ईयर में। अब देखिए 2020 और 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसका एवरेज GST कलेक्शन था आपका 94,734 करोड़, बट अभी तक 11 मंथ्स का जो एवरेज GST कलेक्शन है 2023 एंड 2024 में आपका है 1.66 लाख करोड़, ठीक है। देन रिफ्लेक्टिंग एन 11% ईयर टू ईयर इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस फिस्कल ईयर। अब देखिए अगर हम 2022 और 2023 के साथ 2023 और 2024 को अगर कंपेयर करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल 11% GST कलेक्शन जो है वो यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। देन मंथली एवरेज GST कलेक्शन फॉर 2022 एंड 2023 शोड ए सब्सटेंशियल ग्रोथ ऑफ 30% फॉलोइंग 22% ईयर टू ईयर इंक्रीजेस इन 2023
21 एंड 22। अगर हम मंथली जीएसटी कलेक्शन को कंपेयर करें तो 2023 और 24 के अंदर मंथली जीएसटी कलेक्शन जो है वो यहाँ पर 30% इंक्रीज कर चुका है इन द कंपेरिजन ऑफ 2022 एंड 23 का जो एवरेज जीएसटी कलेक्शन पर मंथ है। ठीक है, देन द नेक्स्ट न्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन इंडियन स्टेट्स, ए क्लोजर लुक एट जुलाई टू सेप्टेम्बर 2023। अब देखिए, जुलाई टू सेप्टेम्बर जो थर्ड क्वार्टर है, उस थर्ड क्वार्टर के अंदर जो यहाँ पर रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज हुआ है, उसमें ये चीज़ बोला जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो यहाँ पर इंडिया के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग, मैंने आपको पहले ही बोल चुका है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो यहाँ पर रिपोर्ट है, दिस अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट इज गोइंग टू बी रिलीज बाई एनएसएसओ। दिस एनएसएसओ स्टैंड्स फॉर नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, और एनएसएसओ के अंदर यहाँ पर और एक ऑफिस है जिसको हम बोलते हैं पीएलएफएस ऑफिस। दिस पीएलएफएस ऑफिस इज स्टैंड्स फॉर पीरियडिक लेबर फॉर सर्वे। पीरियडिक लेबर फॉर सर्वे ऑफिस पीएलएफएस जो है वो यहाँ पर ग्राउंड लेबर पर जाके सर्वे करता है, देन इस सर्वे का जो रिपोर्ट है वो आके एनएसएसओ को यहाँ पर हैंड ओवर कर देता है, देन एनएसएसओ जो है वो पीएलएफएस के द्वारा दिया गया रिपोर्ट को यहाँ पर रिलीज करता है। ठीक है, इन द रिसेंट पीरियडिक लेबर फॉर सर्वे पीएलएफएस कंडक्टेड बाय द नेशनल सर्वे ऑफिस एनएसएसओ कंसर्निंग डाटा हैज एमर्ज रिगार्डिंग द अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 ईयर्स इन अर्बन एरियाज ड्यूरिंग द जुलाई टू सेप्टेम्बर क्वार्टर 2023। देन सी ये रिपोर्ट क्या बोला है कि इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2023 के अंदर अर्बन एरिया के अंदर जो 15 to 29 एज ग्रुप है, वो 15 to 29 एज ग्रुप का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, देन द सेकेंड पॉइंट, द ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द 15 to 29 एज ग्रुप इन अर्बन एरियाज अक्रॉस द कंट्री इज 17.3%। इंडिया के अंदर जितने भी अर्बन एरियाज हैं उन अर्बन एरिया के अंदर टोटल 15 to 29 एज ग्रुप के अंदर टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आपका 17.3% है। आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि 17.3% है, उनमें से 22.9% जो है वो आपका फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है एंड 15.5% जो है वो आपका मेल्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। दिस डाटा प्रोवाइड्स ए स्नैपशॉट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप हाईलाइटिंग द चैलेंजेस फेस्ड बाय द यूथ इन द वेरियस स्टेट्स। देन द थर्ड पॉइंट में ये चीज़ बोला कि हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश के अंदर टोटल अर्बन एरियाज के अंदर जितने भी 15 to 29 एज ग्रुप के अंदर जितने भी यहाँ पर पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो अगर किसी में है तो वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। टोटल 33.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और सेकेंड रैंक पर है आपका राजस्थान, जहाँ पर उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आपका 30.2% है। तो पढ़ लेते हैं, हिमाचल प्रदेश स्टार्ट्स आउट विद द हाईएस्ट ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट 33.9%, मेकिंग इट द स्टेट विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट जॉबलेस चैलेंजेस इन द 15 to 29 एज ग्रुप इन अर्बन एरियाज ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड क्वार्टर। देन राजस्थान क्लोजली फॉलो विद द 30.2%। ओके, देन द नेक्स्ट न्यूज इज, मैंडेटरी डिस्प्ले ऑफ पीएमएवाईयू लोगो ऑन हाउसेस एनश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट थिंग क्या है, आपका पीएमएवाईयू जो है उसका पूरा फुल नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना इन अर्बन एरिया। दैट मीन्स अगर अर्बन एरिया के अंदर किसी को यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर का सुविधा मिला है तो उसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना इन अर्बन एरिया, दैट मीन्स पीएमएवाईयू। देन दिस प्रधानमंत्री आवास योजना इन अर्बन एरिया इज अंडर द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। अभी यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के तहत ये चीज़ बोला गया कि अर्बन एरिया के अंदर जिन लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है वो अपने घर के बाहर ये जो पीएमएवाईयू का जो लोगो है, पीएमएवाईयू का जो लोगो है उसको आप अपने घर के बाहर जो है वो आपको लगाना पड़ेगा। रीजन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एरिया के अंदर आपको घर का फैसिलिटी बनाने का फैसिलिटी मिला है और अगर आप ये पीएमएवाईयू का जो लोगो है वो अपने घर के बाहर लगाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस चीज़ का इजी होगा फॉर द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस चीज़ का इजी हो जाएगा टू फिगर आउट कि कितने घर को ये सुविधा आपका मिला है। ठीक है, देन द नेक्स्ट न्यूज इज, इंडिया सरपास्ट मॉनिटरल प्रोटोकॉल टारगेट सेज रिपोर्ट बाई एमओईएफसीसी एंड यूएनडीपी। पहले आपको ये चीज़ याद रखना होगा एमओईएफसीसी क्या है। एमओईएफसीसी स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट
क्लाइमेट चेंज एंड यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर न्यूज में क्या है देखिए, MoEFCC दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन इंडिया एंड UNDP दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ पर UNDP जो है वो यहाँ पर अपने रिपोर्ट के अंदर ये बोलने की मॉनिटरल प्रोटोकॉल का जो टारगेट्स था, इंडिया अपने टारगेट्स को यहाँ पर फुलफिल कर चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मॉनिटर प्रोटोकॉल का जो टारगेट्स था वो क्या था। देखिए फर्स्ट न्यूज, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया एक्सीड्स द 35% ऑफ HCFC। HCFC गैस इज नथिंग बट आवर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन फेज आउट ग्लोल, अचीविंग ए 44% रिडक्शन फ्रॉम 2020 बेसलाइन एंड हैज ऑल्सो एलिमिनेटेड HCFC-141B। अब यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू द मॉनिटर प्रोटोकॉल जो है इंडिया को 35% ऑफ HCFC गैस जो है वो 2020 तक रिडक्ट करना था, बट इंडिया जो है वो यहाँ पर 44% तक अपना HCFC गैस को यहाँ पर 2020 का जो बेसलाइन था उस बेसलाइन के अंदर यहाँ पर रिडक्शन कर चुका है। सेकेंड थिंग, HCFC-141B का जो यहाँ पर गैस है उसको भी यहाँ पर इंडिया जो है वो रिडक्ट किया है। देन द सेकेंड पॉइंट, HCFC आर एम्प्लॉयड एज रेफ्रिजरेंट्स इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स। ये रेफ्रिजरेटर से जो यहाँ पर आपका गैस निकलता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, दैट मीन्स HCFC गैसेस। एंड HCFC-141B इज यूज एज ए ब्लोइंग एजेंट इन प्रोडक्शन ऑफ रिजिड पॉलीयूथरीन फॉर्म। तो पॉलीयूथरीन फॉर्म से जो गैस निकलता है उसको हम बोलते हैं HCFC-141B। देन इंडिया विल ऑल्सो फेज आउट यूज ऑफ HCFC इन न्यू इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कम्प्लीटली बाई December 2024 एहेड ऑफ मॉनिटरल प्रोटोकॉल शेड्यूल 2030। अब देखिए, मॉनिटरल प्रोटोकॉल में इंडिया को 2030 तक ये टारगेट दिया गया था कि आप अपने HCFC और HCFC-141B जो गैसेस यहाँ पर रिलीज होता है उसको कम्प्लीटली, दैट मीन्स 100% आपको फेज आउट करना पड़ेगा। बट इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर ये बोल रहा है कि December 2024 के अंदर ये जो टारगेट है उस टारगेट को हम यहाँ पर फुलफिल कर लेंगे। तो मॉनिटर प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मॉनिटर प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पर 1987 में इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इट इज़ ए ग्लोबल एनवायरमेंटल ट्रीटी टू एलिमिनेट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ODS। देन द सेकेंड पॉइंट इज, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर द वियना कन्वेंशन एडॉप्टेड इन 1985। देखिए, वियना कन्वेंशन के अंदर आपका जो प्रोटोकॉल बनाया गया था उसको हम बोलते हैं मॉनिटर प्रोटोकॉल। दिस मॉनिटर प्रोटोकॉल इज केम इन टू द इफेक्ट फ्रॉम 1987, कि दिस मॉनिटर प्रोटोकॉल इज एडॉप्टेड इन 1985 बट केम इन टू द इफेक्ट फ्रॉम 1987। ओके, देन द नेक्स्ट न्यूज इज अफ्रीका ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव AGII। अब देखिए, अफ्रीकन लीडर्स लॉन्च्ड AGII एट 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28। हम पहले ही बोल चुके हैं COP28 जो है वो आपका 30th नवंबर 2023 से 2nd December 2023 तक चला था। कहाँ पर? आपका दुबई में, दुबई के अंदर। सो ये COP28 के मीटिंग में अफ्रीका यूनियन के जितने भी सारे कंट्रीज है वो सारे कंट्री यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किए थे जिसको हम बोलते हैं अफ्रीका ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव, जिसको हम बोलते हैं AGII। AGII aims to accelerate green growth of industries in Africa and attract finance and investment opportunities। तो इसका मीनिंग क्या है देखिए, अफ्रीका यूनियन के अंदर जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज है वो अफ्रीकन कंट्रीज यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस AGII प्रोग्राम दे आर गोइंग टू डेवलप द ग्रीन ग्रोथ इन इंडस्ट्रियलाइज एरिया सो दैट दे कैन अट्रैक्ट मोर फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टू देयर कंट्रीज। ओके, सो दैट्स इट फॉर आवर टूडेज करंट अफेयर सेशन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम करंट अफेयर्स क्विज पार्ट। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली एबल मस्क ओडिसाई वॉज इन न्यूज। इट इज ए स्पीसीज ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन इज ऑलिव रिडल टर्टल, सेकेंड ऑप्शन इज हॉर्सू क्रैप्स, द थर्ड ऑप्शन इज वाइल्ड ओकरा एंड द फोर्थ ऑप्शन इज मशरूम। द राइट आंसर इज नथिंग बट आवर वाइल्ड ओकरा। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि ए साइंटिस्ट फ्रॉम द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR रिसेंटली डिस्कवर ए न्यू प्लांट स्पेसिस ऑफ वाइल्ड ओकरा नेम्ड एब्लोमस्क ओडिसे। ओके, आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि उस प्लांट का जो नाम है, साइंटिफिक नाम जो है उसको हम बोलते हैं एब्लोमस्क ओडिसे। देन एब्लोमस्क ओडिसे के ऊपर थोड़ा आप जान लीजिए, इट इज ए न्यू प्लांट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड ओकरा, दैट्स द रीजन व्हाई द सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन इट वॉज डिस्कवर्ड इन ए मोस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट इन बंसपाल ब्लॉक इन केंदुझर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा। ओडिशा में इसको मिला जाता है इसलिए हम इसको बोलते हैं ओडिसे, और इसका जो साइंटिफिक नाम है उसको हम बोलते हैं एब्लोमस्क। तो
तो इसका पूरा जो साइंटिफिक नाम है वो हो गया आपका एब्लोमस्क ओडिसे। तो ये आपको कहाँ पर मिलता है? बंसपाल ब्लॉक केओंझर डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। ठीक है, तो ये कौन से स्पीसीज के अंडर आता है? वो आपका वाइल्ड ओकरा जो स्पीसीज है उसके अंदर आता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली जोर फांटम वॉज इन द न्यूज, इट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ऑप्शन ए न्यू ग्लेशियल जियोग्राफी इन एंटार्क्टिका, सेकेंड वन ए न्यू मालवेयर, थर्ड ऑप्शन इज ए न्यूली डिस्कवर्ड स्टार, द फोर्थ ऑप्शन इज ए न्यूली असेंबल्ड सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। द करेक्ट आंसर इज ए न्यू मेलवेयर, इट इज ए कुकीज। ओके, साइबर सिक्योरिटी फर्म प्रोमन, अब आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि ये जो मेलवेयर है उसको कौन डिटेक्ट किया था? साइबर फर्म कंपनी प्रोमन ने। तो साइबर सिक्योरिटी फर्म प्रोमन हैज आइडेंटिफाइड ए नोवेल एंड्रॉयड मेलवेयर नेम जोर फांटन दैट एम्प्लॉयज वर्चुअलाइजेशन टू टारगेट एप्लीकेशन। ओके, आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, जोर फांटम जो है वो एक मेलवेयर है एंड दिस इज गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड बाई द साइबर सिक्योरिटी फॉर्म कॉल्ड एज प्रोमोन। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द रिवर कावेरी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए, रिवर कावेरी जो है वो अभी रिसेंटली न्यूज में था, इसीलिए एग्जाम में आप मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि रिवर कावेरी के ऊपर इस साल एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है आपका इट इज नोन एज पोनी इन तमिल, दैट मीन्स जो कावेरी का रिवर है उसको तमिलनाडु में बोलते हैं पोनी, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज लक्ष्मण तीर्थ इज वन ऑफ इट्स लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज। अब देखिए, फर्स्ट वन इज जो है वो आपका सही है, एकदम करेक्ट। सेकेंड वन जो है वो आपका रॉन्ग है। तो व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन एबव इज आर करेक्ट? तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, क्योंकि तमिलनाडु में कावेरी रिवर जो है उसको हम बोलते हैं पोनी। बट सेकेंड ऑप्शन जो है आपका लक्ष्मण तीर्थ इज वन ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑफ ट्राइब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर, वो गलत है। लक्ष्मण तीर्थ जो रिवर है वो आपका राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज है, राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज है, किसका? कावेरी रिवर का। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, इट इज ए होली रिवर इन सदर्न इंडिया कॉल्ड पोनी इन तमिल, फर्स्ट वन। अब लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज जो है वो है आपका अर्कावती, हेमावती, सिमसा एंड हारंगी, इसको आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि AHSH, AHSH, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट ए इज स्टैंडिंग फॉर अर्कावती, हेमावती, सिमसा एंड हरंगी। अगर कावेरी रिवर के राइट फ्रंट की बात हम करें तो आपको मिलेगा लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, न्योली, देन भवानी, देन काबिनी एंड अमरावती। आपका ये सिक्स रिवर्स जो हो गया, सिक्स रिवर्स जो हो गया वो आपका राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज है, किसका? कावेरी रिवर्स का। तो यहाँ पर लक्ष्मण तीर्थ जो ऑप्शन था वो आपका राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज के अंदर आता है, बट यहाँ पर क्या लिखा था? लक्ष्मण तीर्थ इज वन ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑफ द ट्राइब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर, सो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। सो व्हिच स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट? देन स्टेटमेंट वन इज ऑनली करेक्ट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2023 वॉज रिलीज बाई व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, अभी रिसेंटली 2023 में स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर रिलीज हुआ था। देन दिस रिपोर्ट इज गोइंग टू बी रिलीज बाई व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, एक्शन अगेंस्ट हंगर, देन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, देन फोर्थ पॉइंट इज फूड फास्ट। द करेक्ट आंसर इज सी पॉइंट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द जीएसटी। अब देखिए, जीएसटी का जो टॉपिक है वो अभी रिसेंटली न्यूज में बहुत है, इसीलिए आपको जीएसटी के ऊपर कंप्लीट नॉलेज होना आपको जरूरी है। सी द फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज अगेंस्ट द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। क्या ये सही है कि गलत है? अब देखिए, इसके थोड़ा एग्जाम्पल के तहत हम समझाते हैं आपको। तो लेट सपोज यहाँ पर आपका एक फ्रूटी का कंपनी है, फ्रूटी का कंपनी है। जब ये फ्रूटी एक इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर जो भी टैक्स अप्लाई करता है उसको हम बोलते हैं, प्रोडक्शन टैक्सेस, प्रोडक्शन टैक्सेस। तो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ओनली प्रोडक्शन टैक्सेस को यहाँ पर कैलकुलेशन में लेते थे, बट जब भी फ्रूटी मार्केट के अंदर जाता है, मार्केट के अंदर सेल होने जाता है, तो मार्केट के अंदर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर इसके ऊपर टैक्स लगाता है। इस टैक्स को हम बोलते हैं प्रोडक्ट टैक्सेस, प्रोडक्ट टैक्सेस। ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, जब ये फ्रूटी मार्केट के अंदर सेल होने से पहले उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगता था? प्रोडक्शन टैक्सेस। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो प्रोडक्शन टैक्सेस है उसको यहाँ पर ओनली शो करते थे, प्रोडक्ट टैक्सेस को यहाँ पर शो नहीं करते थे। बट जीएसटी के तहत हम प्रोडक्शन टैक्सेस के साथ जब ये मार्केट में सेल होने जाता है उसके ऊपर प्रोडक्ट टैक्सेस लगता है, हम प्रोडक्शन टैक्सेस के साथ प्रोडक्ट टैक्सेस को यहाँ पर ऐड करके शो करते हैं।
तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले गवर्नमेंट क्या करता था, ओनली प्रोडक्शन टैक्सेस जो है उसको 100 करता था और प्रोडक्ट टैक्सेस को 100 नहीं करता था। अभी लेकिन प्रोडक्शन टैक्सेस के साथ प्रोडक्ट टैक्सेस को यहाँ पर ऐड करके हम 100 करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी, दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज अगेंस्ट द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, दिस इज करेक्ट। क्योंकि जब ये फ्रूटी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था अपने कंपनी के और अपने इंडस्ट्री के अंदर, तो उसके ऊपर जो टैक्सेस लगता था उस टैक्सेस को हम बोलते हैं प्रोडक्शन टैक्सेस, और पहले गवर्नमेंट ये प्रोडक्शन टैक्सेस को ही यहाँ पर शो करता था। बट अभी गवर्नमेंट प्रोडक्शन टैक्सेस के साथ जब ये फ्रूटी सेल होने मार्केट के अंदर जाता है, तो उसके ऊपर जो प्रोडक्ट टैक्सेस लगता है उसको भी अभी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पर एकदम करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्सेशन एज अगेंस्ट द प्रीवियस प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। एकदम सही है। अब देखिए ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन का मीनिंग क्या है। जब ये फ्रूटी आपने यहाँ पर कंपनी के अंदर बन रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि फ्रूटी इस कंपनी के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो इसका जो ओरिजिन है वो इस फैक्ट्री के अंदर है। तो पहले इस फैक्ट्री के अंदर जो भी टैक्स लगता था हम उसको काउंट करते थे, लेकिन जब ये मार्केट में अभी सेल होने जा रहा है ये फ्रूटी, तो उसके ऊपर जो प्रोडक्ट टैक्सेस लग रहा है उसको हम बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्सेशन। दैट मीन्स अभी ये फ्रूटी जो है वो मार्केट के अंदर चला गया सेल होने के लिए, तो उसके ऊपर भी जो टैक्सेस लगता है अभी हम उसको जीएसटी के अंदर कैलकुलेशन में लेके आते हैं। तो पहले ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन जो था वो अप्लाई होता था, दैट मीन्स कोई भी प्रोडक्ट अगर जहाँ पर बनता है, जहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है, उस वहाँ पर जो उसके ऊपर टैक्सेस अप्लाई होता है उस टैक्सेस को हम शो करते थे। लेकिन अभी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्सेशन हम फॉलो करते हैं, दैट मीन्स जहां पर ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसके ऊपर जो टैक्सेस लगता है, प्लस जब ये प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर सेल होने भी जा रहा है, तो अपने डेस्टिनेशन प्लेस में जहां पर वो सेल होने जा रहा है उसके ऊपर भी जो टैक्सेस लगता है उसको भी हम जीएसटी के अंदर कैलकुलेशन करके शो करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। एंड व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, तो हम बोल सकते हैं कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो जीएसटी के ऊपर अगर आपको इस तरह का सवाल पूछ लिया, तो आपको जीएसटी का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर आवर टुडेज करंट अफेयर सेशन एंड क्विज सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेन एवर आई एम गोइंग टू अपलोड द नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट द सडन नोटिफिकेशन। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। थैंक यू।